तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चोपता से यहाँ घर पे, और हम बनाएंगे अब स्वीट डिश। तो इसके लिए क्या किया है, हमने लिया है गाजर। हम बनाएंगे गाजर का हलवा, और इसके लिए हमने गाजर को पतले पतले पीसेस में काट दिया है, काटा और नहीं है, ये छीला है। छील दिया है, और ये हमने इसमें घी डाल दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें ये गाजर डालेंगे, देखते हैं। डर रहा है ये। अगर आप घी डालोगे तो घी में जो गाजर का हलवा होता है वो बहुत टेस्टी होता है, खाली बोल रहे हैं। और तेल में जो होता है वो उतना टेस्ट नहीं आता उसमें। आपको जैसे कि पता होगा कि घी ज़्यादा टेस्टी होता है। अभी हमें तो क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल हमें सेफ। हमें इसको आप ऐसे घुमाना पड़ेगा ताकि ये जो तेल है, ये इन तेल नहीं, जो ये घी है वो पूरा मिक्स हो जाए इसमें। हमने जो गैस की आँच है वो हमने कम कर रखी है, और ताकि ये जले ना और ये ढंग से पक जाए। दोस्तों, आप भी इसे घर में बना सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इसमें क्या है, आप मावा भी डाल सकते हैं और दूध भी डाल सकते हैं। अगर मावा डालोगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, दूध दूध डालोगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, बट अच्छा होगा, बट उतना मावा के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं होगा। हमें मावा मिला नहीं तो हम दूध से बना रहे हैं। ये हमारे दूध की पैकेट्स। हम क्या करेंगे, इनको पहले इसमें डालेंगे। हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, हम ये बड़ा सा बर्तन लेंगे, बड़ा सा बर्तन लेंगे। दोस्तों, ये बड़ा ही चाकू भी नहीं टाइट मिल रहा है है, इसको, अभी से अस्त क्या व्यस्त करेंगे, घर है इसे इसका। काटेंगे। देखिए, दो आदमी चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए, एक आदमी से नहीं हो पाएगा, तो आपसे अनुरोध है कि ये दूध गिराया भी जा रहा है, कोई शोर नहीं है यहाँ काम करने का। यहाँ पे हमने 5 पैकेट दूध ले लिया है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 1 किलो हलवा है तो आप उसमें 5 पैकेट 1 किलो हलवा दूध, है। 1 किलो गाजर है तो आप उसमें 5 पैकेट दूध के डाल दीजिए, ताकि बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ जाए उसमें। बाकी ज्यादा डालिए, हाँ, ज़्यादा डालोगे तो, जितना ज़्यादा डालोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। घर का दूध हाँ, अगर घर डालोगे का दूध डालोगे तो और भी टेस्टी। हमारे पास घर में हम दूध सब उपलब्ध नहीं सेफ्टी है। कोर्स करके आ रखे हैं, आपको हाँ, सिखाए। ये बासी दूध भी हो सकता है, इसीलिए आप ताजा ताजा दूध डालने का प्रयास करें। ताजे दूध में क्रीम ज्यादा आता है। हम एक्चुअली बहुत थक चुके थे चोपता से आके गाड़ी चला चला के, तो हमने सोचा हम विराम करें और कुछ अच्छा सा बनाएं। तो हमने ये सोचा कि हम गाजर का हलवा बनाएं। देखिए, पूरा और एक लोटा दूध ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ यहाँ चूल्हे चूल्हे का यहाँ पानी। आप थोड़ा इधर करिए, यहाँ ये थोड़ा जल चुका है, ये पक चुका कहाँ है। जल रहा है, नहीं खा रहे। अभी अभी इसको थोड़ा पकने दो छोटी आंच में। कई सब खुद लो। अरे मुर्खो, ये देखा है, पूरा दूध गिरा दिया है इसने। पूरा 1 पैकेट दूध गिर चुका है यहाँ पर। दोस्तों, हड़बड़ी के चक्कर में यहाँ दूध एक का लोटी दूध सत्यानाश हो गया पूरा है। गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने दूध कर दिया है, रख दिया यहाँ पे, और अब अब हम आगे इसको तभी तक हिलाएंगे जब तक मेरा मन करेगा। वो दूध इसीलिए गिरा है क्योंकि इसमें फुल हो चुका था, वो एक ही लोटा दूध डालना पड़ेगा। अब इसमें ये पानी निकल चुका है लगभग। अब हम इसमें डालेंगे दूध को। दूध हमारे पास है 1 लोटी दूध, पूरा पहले देखते हैं। आराम आराम से डालिए आप दूध को, दूध ज़्यादा भी नहीं डालना है इतना, नहीं तो सिवाय जैसे हो जाएगा। आँच को थोड़ा बढ़ा दें। बहुत कम है दूध, तो अब हम क्या करते हैं कि अब इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। तो हमने 4 मुट्ठी चीनी डाल चुके हैं, ये 5वीं मुट्ठी है। अब देखते हैं इतनी चीनी डालने के बाद कितना मीठा होता है। अब इसको हम घुमाएंगे ताकि जो ये चीनी है ये इसमें मिल सके।
दोस्तों अब ये लगभग देख सकते हैं ये पूरा सूख चुका है, अब बस 2-3 मिनट और पकाना है इसे। लगभग पक ही चुका है ये, अब इसे बस खिलाना है, कंटिन्यूस हिलाते जाना है क्योंकि दूध तो सूख चुका है, अब ये जल सकता है, तो इसे कंटिन्यूस हिलाते रहना है हमें। दोस्तों फाइनली ये बन चुका है, आप देख सकते हैं परोस लिया हमने, कलर तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। बड़ो भाई खाते हैं, बाय बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।